दोस्तों शाहरुख खान की 2024 में काफी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, जिसमें से एक फिल्म पर करण जौहर बहुत पैसा लगाने जा रहे हैं। इस फिल्म का बजट लगभग 600 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। बॉलीवुड हंगामा की खबर के मुताबिक ये फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज होगी। शाहरुख खान बॉलीवुड में ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जिनके लेवल के पास दूसरा कोई एक्टर नहीं है। अगले साल शाहरुख की काफी फिल्में अनाउंसमेंट की जाएगी, जिसमें से एक का टाइटल द किंग रखा गया है। वही 2023 की शुरुआत भी शाहरुख ने की और अब इसको खत्म भी शाहरुख अपनी फिल्म डंकी से करेंगे। दोस्तों डंकी के ट्रेलर का सेंसर बोर्ड की तरफ से रिव्यू भी आ चुका है। उन्होंने डंकी को वर्ल्ड क्लास मास्टरपीस बताया है। वही डंकी की हाइप भी बहुत खतरनाक बन रही है। पहले दिन ही फिल्म 120 करोड़ की कमाई कर सकती है। प्रमोशन भी धमाकेदार लेवल का चल रहा है। शाहरुख खान के फैंस का टारगेट ये है कि इस बार पहले दिन डंकी सभी इंडियन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दोस्तों किंग खान की फिल्म डंकी इस बार जवान से भी ज्यादा कमाई करने वाली है के गाने फिलहाल टी सीरीज वालों ने खरीद लिए हैं। शाहरुख खान की फिल्मों के गाने काफी ज्यादा हिट जाते हैं। पिछली फिल्म पठान जवान के गाने भी काफी ज्यादा देखे गए हैं, इसलिए इस बार डंकी के गानों से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि काफी रिकॉर्ड बनाएंगे। एक खबर ये भी आई थी डंकी के गाने काफी महंगे खर्चे में बनाए गए। वर्ल्ड वाइड 20 देशों में डंकी रिलीज होगी। दोस्तों इस बार ये फिल्म 2000 करोड़ की कमाई कर सकती है क्योंकि इसके मास्टरमाइंड राजकुमार हिरानी हैं, जिन्होंने अभी तक सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में ही बनाई हैं। इसलिए डंकी पर ऑडियंस को पूरा भरोसा है और ये फिल्म दुनिया भर से इतना कलेक्शन करेगी कि बॉयकॉट गैंग को गिनती नहीं आएगी। लेकिन रास्ते में एक बड़ी चुनौती है जिसको आप सब जानते हैं। मास एक्शन के बादशाह प्रशांत नील, उनकी फिल्म सालार भी डंकी के साथ साथ चल रही हैं। ओवरसीज में जो प्लान डंकी के मेकर्स बना रहे हैं, सालार भी वही कर रही हैं। दोस्तों फिल्म के गाने भी काफी महंगे बनाए गए हैं और ऐसे में फिल्म से ऑडियंस को काफी ज्यादा उम्मीद है, इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डंकी और सालार किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।